मामा जी का ट्रैक्टर हैप्पी बर्थडे मामा जी का ट्रैक्टर पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जन्मदिन मुबारक हो, बहुत बहुत। अभी बहुत प्यार देते हैं, सब लाड देते हैं। हमारा एक एक बेटा है, इसलिए कि उसके बाद जब भी कभी जरूरत पड़ती है सब काम की पूर्ति करते। अच्छा है, हमारे बच्चा लायक है, काम में घर में सब जा जाता है, वो काम उसको मिल जाता है, वो करता है। माई डियर प्रवीण जी, हैप्पी 60th बर्थडे। ईश्वर आपको लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका लविंग एंड केयरिंग नेचर आने वाले समय में हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ देता रहे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। हैप्पी 60th बर्थडे टू द वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। तो पापा के बारे में तो बहुत कुछ बताने लायक है, बट बताते बताते टाइम कम पड़ जाएगा। तो लेकिन शुरुआत करते हैं, देखते हैं उनको कितना ब्रीफली, लेकिन मैं ब्रीफली ही बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा उससे। तो जहाँ तक पापा के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब शुरू से उन्होंने मुझे मतलब इतना बड़ा किया, इतना बड़ा पहुँचाया। आज मैं जॉब कर रहा हूँ, सब चीज़ है। तो मतलब ये बात तब से है जब मैं पढ़ाई करता था। तो जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो वो पूरा अपना टाइम, जितना टाइम उनके पास होता था, मुझे देते थे और मुझे काफ़ी कुछ सिखाते थे। मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प करी है। तो उनके एफर्ट्स की वजह से और आशीर्वाद की वजह से मैंने स्कूलिंग में भी और कॉलेज लाइफ हो और वेदर नाउ अब जॉब में भी मतलब मुझे सपोर्ट मिला। इवन आज भी मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ जहाँ पर भी मुझे दिक्कत आती है, अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। तो उसके हिसाब से मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है वो आज मेरे काम आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर वो मुझे ऐसे ही मेरे गाइड बन के रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। उनकी लाइफ में भी कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो मुझे भी कभी नहीं भूलते। जब भी उन्हें मौका मिला, जैसे बात करी जाए, जब हम लोगों ने पापा ने जब एक आर्टिकल लिखा था और टोयोटा में वो सिलेक्ट हुए। हाय प्रवीण, हैप्पी 60th बर्थडे। 60 साल सोच कर बहुत लगता है कि अरे इतना टाइम हो गया, जबकि देखते देखते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं। मेरे को अभी भी याद है कि 1979 में जब मैं पहली बार मथुरा गया था और हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने पूछा था कि तुम्हारी सिस्टर ने एमए किया है तो इसके बाद और क्या प्लान है, और तुमने कहा कि एमए करा है तो बर्तन मांजने के लिए थोड़ी किया है। इनोसेंट प्रवीण, बहुत ही सबको प्यार करने वाला और सबके साथ घुल मिल के रहने वाला और सबको खुश रखने वाला, ये है प्रवीण अरोड़ा। 1 जनवरी आती है, सारी दुनिया तुम्हारा बर्थडे मनाती है और हैप्पी न्यू ईयर के साथ हम तुमको हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी यादें हैं। और फिर याद है कि शादी के टाइम जब बारात
देहरादून से आई और बारात को पता नहीं था कि कहाँ जाना है और फ़ोन होते नहीं थे उस ज़माने में। तो मेरे हम लोगों को बोला गया कि प्रवीण एक पर्टिकुलर जगह पर मिलेगा, जो ब्रिज होगा, जो पुल होगा, और हम लोग टाइम से पहले उस जगह पहुंच गए, जबकि तुमने सोचा कि नॉर्मली तो लोग शायद लेट आते हैं। और हम लोग वहां से पूछते पूछते बारात जहां रुकनी थी उस जगह पहुंच गए, और तुम काफ़ी देर बाद पहुंचे। लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर हम लोग, तुम और ब्रिजमोहन, मैं और आज हम लोग आगरा घूमने गए। बहुत बार हम लोगों ने, कई बार तुम हमको पिक करने आए रेलवे स्टेशन पर। मेरे को याद है कि पापा जी और तुम साइकिल पर पिक करने आए थे। एक साइकिल पे सूटकेस रखा और एक साइकिल के पीछे मैं बैठ के गया। वो भी दिन थे। तो बहुत सारी यादें तुम्हारे साथ हैं और कोई अंत नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि तुम हर समय मुस्कुराते रहते हो, खुश रहते हो, और हमारी यही दुआएं हैं तुम्हारे साथ और शुभकामनाएं हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे आने वाले सारे बर्थडे इसी तरह खुशी से भरे हुए हों, सारे आने वाले साल खुशी से भरे हुए हों। हैप्पी 60th बर्थडे, होप वी मीट सून एंड सेलिब्रेट दिस इन पर्सन। बाय। हाय प्रवीण मामा, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम सौरभ, राधिका एंड कबीर। वी आर इन लेक टाहो कैलिफोर्निया, स्टक इन अ स्नो स्टॉर्म, सो वी जस्ट स्टेइंग इन अ होटल नाउ। आई वाज जस्ट गॉन टू द जिम, नाउ गोइंग बैक टू द रूम फॉर डिनर। सो आई जस्ट वांटेड टू से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 60th बर्थडे, टेक केयर एंड होप टू सी यू सून। हैप्पी बर्थडे प्रवीण मामा। प्रवीण, तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, और नया साल तुम्हें बहुत मुबारक हो। आने वाला साल तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, और सबसे बड़ी खुशी बहू लेकर के आओ। इस साल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। तो चंदा ने तारों से पूछा, तारों से पूछा हजारों ने, सबसे न्यारा कौन है और सबका प्यारा कौन है। सबसे प्यारा मेरा प्रवीण भाई है। प्रवीण के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत याद है अच्छी तरह से, कि मम्मी पापा जी बताया करते ये वाली बात को, कि जब प्रवीण पैदा हुआ था तो रोहतक में जब ये न्यूज़ गई तो लड्डू बांटे गए, और जब प्रवीण को पहली बार रोहतक लेकर के गए मम्मी पापा जी, तो दादाजी रोहतक स्टेशन पे बैंड लेकर के आए, और घर तक बैंड बजता हुआ गया, प्रवीण का स्वागत किया इस तरह से रोहतक ने। और साथ में पापा जी बताते थे कि एक मन लड्डू बने थे, और जो कि जो बधाई देने के लिए आता था उसको लड्डू मिलते थे। तो प्रवीण, हम लोग तेरे 60वें बर्थडे पे भी लड्डू खाने के लिए तैयार हैं, और ये पार्टी हम लोग करेंगे, बहुत जोर धूमधाम से करेंगे। जब भी शिखा वापस आती है हम लोग करेंगे। प्रवीण आज का हमारा हरिश्चंद्र है, जो मम्मी की इतनी सेवा कर रहा है। भावना, प्रणव, मेरी सारी बहनें, सब लोग मम्मी को इतना ज़्यादा मम्मी का ध्यान कर रहे हैं। हम लोग बाहर रह करके नहीं पहुंच पाते हैं टाइम से, बट प्रवीण तुमने, मतलब मैं रिश्तेदारी में भी जिससे भी कभी बात होती है, सब लोग कहते हैं राज तेरा भाई बहुत अच्छा है, सबके साथ मिलता है, और जहाँ पे भी दुख सुख होता है प्रवीण सबसे पहले पहुँचता है। प्रवीण, मैंने इस वीडियो के लिए भी बहुत सारे लोगों से बात की थी कि मुझे प्रवीण के 60वें बर्थडे का वीडियो बनाना है, और आप लोग मुझे प्लीज़ भेजो। तो मैं देख रही हूँ हर एक ने मुझे फ़ोन पे बताया, या जो भी भेजा उन्होंने, सब ने लिखा कि राज बहुत अच्छा लड़का है, सबके संग घुल मिल के रहता है। तो मैं दिल से ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी लंबी आयु हो, बहुत खुशियाँ मिले, और ऐसे ही हंसते रहो। कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं ना कभी कभी, कि जब सौरभ की शादी थी तो मैंने ऐसे ही प्रवीण से कहा, और मम्मी जैसे कि यहाँ पे तो ढोल भी नहीं मिलता है, डंडके भी नहीं मिलते, और हमारे यहाँ सारे लोग बहुत डंडके खेलते हैं, तो क्या करूँ। तो कहता है अच्छा, तू
वेट कर, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। देखा तो ट्रेन से वो ढोल वाले को भी ले आया, डंडखे भी ले आया, ढोलक भी ले आया। तो प्रवीण को कुछ काम बोलो तो वो हनुमान जी की तरह से पहाड़ उठा करके ले आता। तो हमारा भाई ऐसा है कि उसको कुछ काम, छोटे से बड़ा काम बोलो, वो हमेशा हाजिर रहता है। ऐसा है हमारा भाई। भगवान तुझे बहुत सुखी रखे प्रवीण। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि प्रवीण को काम बोला जाए या नहीं बोला जाए, क्योंकि प्रवीण तो हमेशा तैयार रहता है करने के लिए। हैप्पी 60th बर्थडे मामा। मेरे को एक चीज़ बहुत याद आती है कि जो कॉमिक्स हमने इतने पढ़े हैं आपके साथ में, हर छुट्टियों में, स्पेशली जो गर्मी की छुट्टियां हैं, हम लोग फरीदाबाद आते थे और आप हमें वो स्कूटर पे लेके जाते थे सेक्टर 7 की मार्केट में, और वहाँ से हम लोग खूब सारी कॉमिक्स लेके आते थे और वहीं से चालू हो जाते थे। आपने जैसे ही स्कूटर चलाया, उठे बैठ के दूसरी साइड कॉमिक चालू, और वहाँ पे मम्मी जी पीछे लगी रहती थी कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो, और वो जब तक कॉमिक ख़त्म नहीं होती थी और हम लोग हिलते नहीं थे। तो वो जो कॉमिक्स हैं, वहाँ से चल के हम लोग एनिमेशन में पहुँच गए, और ये सब जो है आपकी वजह से है। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। होप यू हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड, एंड होपफुली आपसे हम लोग जल्दी मिलें। Happy birthday, Praveen Mama. You were born in the zoo. Happy birthday, Mama Ji. Come and say happy birthday. Come and say happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Praveen Mama. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Yeah. Happy birthday, Happy Mama Ji. Happy birthday, Mama Ji. Namaste, Praveen. Salgirah Mubarak ho. Welcome to the Senior Citizen Club. Aa jao. और कैसे हो भाई, बहुत सारी यादें हैं तुम्हारी, किस किस को याद दिलाऊं? मस्त साठवीं सालगिरह मुबारक हो, और हमारी शुभकामनाएं आने वाले वक्त के लिए। भैया हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक हो, भगवान सबको ऐसा भाई दे, आप सब हमारे बहनों की शान हो। भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पीएस्ट बर्थडे मामा जी। अब तो आप सीनियर सिटीजन में आ गए ऑफिशियली, है ना? चलो अब फिर मामा मामा की जगह इसको नाना बोलना शुरू कर देना चाहिए। बोल दे हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे नाना दी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दिनेश एंड रूडो ऑल्सो जॉइन्स अस इन दिस विशेस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Praveen Mama. Nana. Happy birthday dear Praveen Mama. Happy birthday to you. Yay! May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye. Bye. भैया नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो मामा जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई डोंट नो क्या बोलूं मैं आपको। यू आर द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन इन माय लाइफ। आपने चाहे वो 5 साल की नेहा को संभालना हो, उसके नखरे उठाने हो, या MBA करने के लिए मुझे इंस्पायर करना हो, यू आर ऑलवेज देयर। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन मोस्ट ऑनेस्ट एंड पेशेंट, एंड आई ऑलवेज लुक अप टू यू। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, यू आर ऑलवेज पेशेंट। आई हैव नेवर सीन यू गेटिंग एंग्री और नॉट स्माइलिंग। आप कैसे कर लेते हो, कैसे हर समय हंसते हुए सब सिचुएशंस को मैनेज करते हो,
मुझे कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन मिलती है तो मैं आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू. आपसे बात करना हमेशा दिन चीयरफुल कर देता है. और अभी ऐसा कोई भांजा या भांजी नहीं है जिसको आपने कहीं कम कुछ दिया हो. यू आर ऑलवेज बैलेंस्ड. आई लव यू मामा जी. एंड आई ऑलवेज थिंक कि आप जैसे हो उसका कुछ पोर्शन भी मुझे मिल जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी. कीप स्माइलिंग. आई होप आपका आने वाला साल आपके लिए इस साल से भी ज़्यादा अच्छा हो. आपकी सारी विशेस पूरी हों. मे गॉड ब्लेस यू. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड आई होप सून हम बर्थडे आपका आप साथ में सेलिब्रेट कर सकें. हैप्पी बर्थडे मामा जी. मामा जी आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी बर्थडे मामा जी. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी बर्थडे प्रवीण. बहुत सारा प्यार और खुशियां तुमसे मिली. तुम जैसा भाई सबको मिले. बच्चे भी आपको बहुत प्यार करते हैं. सबका बर्थडे और एनिवर्सरी तुम्हें टिप्स पर रहती हैं. सबसे पहले तुम्हारा फ़ोन आता है किसी का भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो. बचपन की बहुत यादें तुमसे जुड़ी हुई हैं. मात्र 2 साल ही छोटे हो. एक साथ ही कॉम्पिटिशन में जाते थे. कभी आपने जीता और कभी मैंने जीता. पापा ये मेरे से छीन के ले गई. मुझे याद है जब मेरी मथुरा रिफाइनरी में पहली नौकरी लगी थी तो सब मुझे प्रवीण की सिस्टर के नाम से जानते थे. बहुत अच्छा लगता है. आपने बहुत नाम कमाया. आपका सोशल नेटवर्किंग भी बहुत है. इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहती हूँ. ये 60 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला. भगवान आपको दीर्घ आयु दे और हमेशा स्वस्थ रहो. Hello Praveen bhaiya, here is wishing you a very happy 60th birthday from all of us from Scotland, UK. Stay blessed. Stay healthy. Happy. Keep smiling. And lots of love from Sanjeev, Shikha, Sarthak, Suyash. Aap se meri pehli mulaqat 1996 में हुई थी जब आप हमारे घर आए थे दिल्ली में. और उसके बाद जब मेरा और शिखा का रिश्ता हो गया तो फिर और जानने का मौका मिला आपको. आप की क्वालिटीज़ को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं. और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपके लिए कि आप एक बहुत ही उम्दा इंसान हैं और एक हीरा है. जैसे हीरा है सदा के लिए वैसे ही आपकी क्वालिटीज बिल्कुल हीरे की तरह हैं. मेरी ईश्वर से सब यही प्रार्थना है कि आप हमेशा ही ऐसे स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आने वाले वर्षों में पूरे संसार में वर्ल्ड में ट्रैवल करें. हमसे मिलने जरूर आए. थैंक्स अ लॉट. आज मेरे प्यारे भैया का 60th बर्थडे है जो इकलौता ही नहीं अनोखा है. ऐसा भाई दुनिया में मिलना मुश्किल है. मेरा सबसे ज्यादा टाइम आपके साथ बीता है क्योंकि दीदी वगैरह की तो शादी हो गई थी तो बचपन से अभी तक सबसे ज्यादा अटैच मैं आपके साथ रही हूँ. और सबसे ज्यादा मैंने घर में आपके साथ समय बिताया है. बचपन में आप मुझे रेडियो स्टेशन जहां भी कोई प्रोग्राम होता था शिखा साथ चल तो आप मुझे हर जगह इन्वॉल्व करते थे. उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ यूके में कुछ कर पा रही हूँ. और उसके बाद हम सेंट्रल स्कूल कैंट में जाते थे साइकिल पे आगे बैठ के इमली के हम लोग वहाँ खाते थे इमली की तोड़ के वहाँ पे जो सेंट्रल स्कूल में लगी होती थी. और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तब भी आप मुझे कभी कभी छोड़ने आते थे कृष्णा नगर जब मैं अलग रूम में रहती थी. और उसके बाद जब मेरी डालमिया में जॉब लगी तो आप कार से मुझे लेने छोड़ने आते थे. तो आपने मुझे हर पल साथ दिया है. शादी के बाद भी मैं कभी भी आपसे कोई काम करती थी तो कभी भी आपने मुझे मना नहीं किया. इवन अभी यूके से भी मैं कोई आपको छोटा से छोटा काम कहती हूँ कभी आप मना नहीं करते. आपका ऐसा नेचर शायद ही किसी के से मिलना बहुत ही मुश्किल है.
आप ऐसे ही रहो और सदा प्यार बरसाते रहो, और हम सबका आशीर्वाद है आप भी उन्नति के पथ पे अग्रसर हो और फलो फूलो। थैंक यू। और एक लाइन हमारी तरफ से, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां इस जहान की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां इस जहान की। वंस अगेन a very very happy birthday and many many happy returns of the day from Sanjeev and Shikha. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other birthday to you, have a great year ahead. मुझे एक बात अच्छे से ध्यान है कि मैं जब भी आपके घर आऊँ, चाहे मैं एक महीने बाद आऊँ या एक साल बाद आऊँ, एक बात श्योर है कि आपने कुछ ना कुछ नया रखा होता है हमारे लिए घर में, और हम हमेशा आके ढूंढते हैं मामा ने क्या नया मॉडिफिकेशन किया है। मुझे आपके सारे नए कस्टमाइजेशन घर में, एक एक कमरे को अच्छे से सजाना और सब कुछ कस्टमाइज करना बहुत पसंद है, और अभी भी मैं जब आऊँगा आई एम श्योर आपने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया, काफ़ी कुछ मॉडिफाई करके रखा होगा हमारे लिए। और एक बात आपके लिए मुझे बहुत पसंद है कि आपको कोई भी गिफ्ट हम दे या कोई भी दे तो आप बहुत संभाल के रखते हो और काफ़ी अच्छे से सजा के रखते हो सारे गिफ्ट्स केयर करके, और आपका 60th बर्थडे गिफ्ट ड्यू है और उसके लिए आपके लिए एक मर्सिडीज़ का मॉडल पक्का पेंडिंग है, जब हम मिलेंगे तो पक्का देंगे। थैंक यू मामा। Hello, happy birthday, Mama. Happy 60th birthday. I hope I enjoy your day. सबसे पहले जब मैं इंडिया आया था मुझे वो दिन तो याद नहीं है, पर मैं छोटा सा था, लेकिन मैंने बहुत सारी फोटोज वगैरह देखी हैं, और सबसे पहली होली हमने आपके साथ, मैंने आपके साथ ही मंगाई थी, और शायद आपने मुझे सबसे पहला लाइक रंग वगैरह लगाया था, और आपने मुझे एक पिचकारी दी थी, और मैंने सारा पानी वानी गिराने थे बेड के ऊपर, मुझे दिन तक याद तो नहीं, पर मैंने बहुत सारी फोटोज वगैरह देखी हैं। और वैसे भी उस घर में, फरीदाबाद वाले घर में बहुत सारी हमारी मेमोरीज है, जब भी हम आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कोई ना कोई सेलिब्रेशन करके जाते हैं, तो थैंक यू। और एक शिकायत मुझे आपसे है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है सबसे पहले आप ही विश करते हो, तो मेरे को इतना मौका, मुझे कभी मौका नहीं मिलता था, जब भी मम्मी का बर्थडे होता मैं विश करने जाता था, और आप मम्मी से मम्मी कहते मामा से बात करूँगी बाद में बात करते हैं, हमेशा मेरी मैं शिकायत मजाक कर रहा हूँ, तो लेकिन तब भी थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज being there for everyone and thank you mama, thank you, party due hai pakka 60th birthday ki big party due hai aur happy 60th birthday mama, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello Praveen, good morning, kaise hain aap sab, आपको आने वाला नया साल मुबारक हो और आपको जन्मदिन की भी बहुत 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 बधाई हो। ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके इस जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए और उन बातों को याद करने के लिए जो हमने बचपन से लेके अब तक इकट्ठे बिताई हैं। बहुत सारा टाइम याद आता है, बहुत मोमेंट याद आते हैं जो हम लोगों ने इकट्ठे बिताए, वो बचपन, बचपन की बातें, सबके साथ मिलकर खेलना, और आज इतने साल बीत गए हम लोग एक दूसरे से दुख सुख शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना ख्याल रखो, मम्मी का ख्याल रखो, मम्मी का आशीर्वाद हमेशा सबको मिलता रहे, आपको भी मिलता रहे। फिर एक बार बहुत 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 बधाई मुबारकबाद जन्मदिन के लिए। Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Praveen Bhaiya. Happy birthday to you. ईश्वर का एक वरदान होता है ना भैया, आप इस तरह से हमारी फैमिली में हैं
जिस तरह से आपने अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखा है दैट इज कमेंडेबल, और हम सच में दिल से बहुत दुआएं देते हैं जब भी हम आपको देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ की नई इनिंग को ज्वाइन कीजिए। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे परवीन, गॉड ब्लेस यू बेटा, गुरु जी हमेशा आपको खुश और स्वस्थ रखे, ऐसे ही सबके साथ मिलते रहा करो और सबका प्यार आपको मिलता रहे। चाची जी को भी बहुत बहुत बधाई हो बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे अगेन। हेलो मास्टर जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आल्सो अ हैप्पी न्यू ईयर, मे यू हैव अ ग्रेट ईयर एंड अ डे अहेड। माँ का प्यारा, बहनों का दुलारा, जिसने अपना हर रिश्ता बखूबी है निभाया, ईश्वर ने आपको सभ्य सुशील काबिल है बनाया। ईश्वर से यही दुआ है कि आपका जीवन सुख समृद्धि खुशहाली से बीते, आपको जीवन में हर खुशी मिले, हर खुशी आपके लिए आपके चरण चूमे। हम ईश्वर से यही मांगते हैं, आप खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या फरीदाबाद रहो। हैप्पी बर्थडे प्रवीण जी, भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू प्रवीण जी, खुश रहो। हाय प्रवीण, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बचपन की बात थे और आज 60वीं पादयान पर तुम पहुंच गए हो। ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे, तुम सदा सुखी रहो और इसी तरह से जीवन की सीढ़ियां चढ़ते रहो। याद आते हैं वो पल जब हम 16 साल के थे, बल्कि उससे भी छोटे थे, और आकाशवाणी मथुरा वृंदावन साइकिल से जाया करते थे। कई किलोमीटर दूर था, लेकिन वो जो पैशन, वो जो कला के प्रति प्यार, वो पल हमने वहाँ पे गुजारे। अचला जी, विमल दीदी, आज़ाद साहब, धर्मेंद्र जी और आपके राम नरेश पांडे जी, न जाने कितने कितने गुणी लोगों से हम मिले और हमने अपनी ये कला की प्यास वहाँ बुझाई। बहुत सारे बाल गोपाल कार्यक्रम किए, युवा वाणी ड्रामे की है, याद आते हैं सारे वो पल तुम्हारे साथ गुजारे हुए। कई साल पहले जबकि काफ़ी टाइम से हम लोगों की मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी कुछ ही साल पहले मैं तुमसे मिला फरीदाबाद। वो फिल्म मैंने की थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे बाल सखा वहाँ पर थे। तुम सदा सुखी रहो, मस्त रहो, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू प्रवीण। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे एंड विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको आपकी 60वीं जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना, एज इज स्ट्रिक्टली ए केस ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। भैया यू आर ए ट्रू एंड ग्रेट पर्सन, Anyone who has you in his life truly blessed. Thank you for gracing our life with your valuable presence and friendship. You are a gem and your friendship is our treasure. Thank you. Parveen ji, आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। परमात्मा आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे और आप हमेशा खुश रहें। Namaste Master Ji, wish you a very happy 60th birthday. One thing that always strikes me and differentiates you from rest of the family members is that you are a very positive person. Irrespective of the matter, situation, you approach things in a very cool, calm-headed way, and that is one thing I always like to learn from you. And you will be also very proud to know that Pranab has imbibed all of that good qualities from you. And whoever is watching or listening this video, I have no qualms, that they will agree that you are the MS Dhoni of Roda and Khurana Plus Plus family. On this birthday, I wish you, good health with long life. As we all say, when you turn 60, party hai dikhti. So, I'll wait for the party details. Bar bar dil ye gaaye, tum jiyo hazaaron saal. Happy birthday.
Happy birthday to you, Praveen bhai. Happy birthday to you. Many many happy returns of the dear girls. Stay blessed. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण भाई. ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा खुश और प्रसन्न रहें. Happy birthday to you, Praveen sir. May God bless you with everything you want in your life. I feel really proud to have you as my good friend and a well-wisher. A grand party is due, sir. Really, we'll enjoy the party. Thank you. Priya, wish you loads of happiness and love. I have known you for a long time, not just personally as family, but also professionally. And it has been a pleasure. You were cherished by all around, people all around you and by us. I have been part of your creative journeys and I really respect you for that. What I remember the most is whenever we visited your house, there was something for us to be very happy and proud of you. You created so many new things which I cherished when I was a young boy. Looking forward to many more days together with you and wish you happiness all along. Take care. Happy birthday, Bhaiya. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जीजा जी. भगवान आपको लंबी आयु और अच्छी सेहत दे. दिन से बीते महीने, महीने से बीते साल. बेशक हो गए हैं सफेद बाल, लेकिन आज भी आप रखते हो सबका बहुत ज्यादा ख्याल. पर्सनैलिटी और नेचर तो आज भी बेमिसाल. अरे बहुत हो गई गलबात, अब करते हैं कुछ काम की बात. जिस प्रकार आप बनाते हो हमारे दिन खास, अपनी ढेर सारी विशेष एंड विद योर मस्त मस्त अंदाज, आपको हो मुबारक ये सुपर एनिवर्सेशन. बहुत सारा प्यार. हैप्पी बर्थडे फूफा जी. बेस्ट विशेष फ्रॉम योर ससुराल. हैप्पी बर्थडे प्रवीण भैया. God bless you. Hello Praveen. Happy birthday. आने वाला साल आपके लिए मंगल में हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ. Hello Praveen. Happy birthday. आपको एक छंद पेश कर रही हूँ. छंद विरागे आइए जाइए, छंद आगे खाई. नया साल और जन्मदिन की खूब खूब बधाई. God bless you. Wishing you very happy 60th birthday, Praveen ji. Praveen ji, आपको आपके जन्मदिन के अवसर पर हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका जन्मदिन नए वर्ष को आता है और आपको विश करके ऐसा लगता है कि नया वर्ष उमंगों के साथ आया है. और ये भी सोचना पड़ता है कि पहले हैप्पी बर्थडे करें कि पहले हैप्पी न्यू ईयर करें. प्रवीण जी, आप बहुत ही इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और मैच्योर पर्सन है और मैंने बचपन से ही आपको ऐसे देखा है. मैंने बचपन से तो नहीं देखा, लेकिन आप सच में एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है. ये तो हम आपके घर में जाके और आपकी बातों से और आपने जो जो अपनी लाइफ में इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करी है उसको देख के हम हमेशा ही इंस्पायर हो गए आपसे. और मेरे को इतना याद है प्रवीण जी, जब भी आप आजादपुर आते थे तब भी आप किताबों में खोए रहते थे और मैं सोया रहता था है? और क्या नाम, फिर सुबह सुबह हम उठ के डेयरी पे जाते थे भैया जी से, और क्या नाम है, धारे लेते थे भैंसों की. वो भी एक समय था. मैंने आपको ज्यादा खेलते हुए या मौज मस्ती करते हुए तो नहीं देखा, पर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. आप सही समय पर बिल्कुल अचूक बात करते हो. बिल्कुल सही बात, मैं भी एग्री करती हूँ इस बात से. बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया आपका, बहुत अच्छा अंदाज है बात करने का. और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं आप में, जैसे आपको हमेशा सबके बर्थडे और एनिवर्सरीज हमेशा याद रहती हैं, तो एक हमेशा से इंतजार रहता है कि बर्थडे वाला दिन है तो आज आपका फोन जरूर आएगा. वैसे तो प्रवीण जी आप गुणों की खान हो, आपके ज्यादा इतने गुणों का मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, पर मेरे को आज का रूप आपका सबसे अच्छा लगता है. आप मेरी नजर में आप आज के श्रवण कुमार हो. बिल्कुल. जिस प्रकार से आपने हमारी बहन या मम्मी जी का जिस प्रकार से आप सेवा करते हैं या कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है. और आजकल के समय में ऐसे औलाद पाना ऐसे असंभव सा ही काम है लगभग. आप एक रोल मॉडल हो सबके लिए, हम सबको आपका एग्जांपल देता है कि देखो कितना अच्छे से सबको मैनेज करते हो आप. बहुत ही बढ़िया. और
इसमें में किरण, मयंक और शेफाली हमारे घर में सब आपको बहुत पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और आप स्वस्थ रहें और आपकी दीर्घायु हो, आप सैकड़ों साल जिए और बहुत सारी खुशियां देखें और वाकई आपका जो स्वभाव है उससे हम बहुत प्रभावित हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम सबकी ओर से एक बार आपको फिर से आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद। अरे पर बात क्या है, पप्पू पास हो गया। अपना पप्पू, अरे ये अपना पप्पू पास हो गया, ये पास हो गया, पप्पू पास हो गया। आजा बेटा आजा आजा। अरे क्या बात है, मेरा पप्पू तो पास हो गया। क्या बात,
ये ले, कुछ मीठा हो जाए।